हे दोस्तों, तो आज मैं किस्सा लेके आया हूँ अपनी आईआईटी प्लेसमेंट का। अब मेरी आईआईटी प्लेसमेंट के समय एक तो मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऐसा था, प्लस मैं काफ़ी अंडर प्रिपेयर था, तो होपफुली इस किस्से से तुम्हें थोड़ा ज्ञान मिलेगा। तो मैं ग्रेजुएट हुआ था 2010 में। प्लेसमेंट सीजन आईआईटी दिल्ली में था दिसंबर 2009 से लेके मार्च 2010 तक के बीच में प्लेसमेंट्स हो जाती है सारी। और उसी समय अगर तुम लोगों को याद होगा सब प्राइम क्राइसिस हुए थे 2008-2009 में, तो इकोनॉमी की ठुकी हुई थी। और जो अपना सीनियर बैच था जो 2009 में ग्रेजुएट हुआ था, उनकी प्लेसमेंट्स बुरी तरह ठुक गई थी, कंपनीज ने अपने ऑफर्स वापस ले लिए थे। तो हमारी बैच की भी इन जनरल काफ़ी फटी हुई थी कि पता नहीं प्लेसमेंट में क्या होगा। और हमारे साल भी 2010 में भी इसी कारण काफ़ी कंपनीज कम आई थी, और जो आई थी उनमें से कईयों ने भी डिपार्टमेंट फिल्टर्स लगा दिए थे। तो कई अच्छी कंपनीज तो मेरे डिपार्टमेंट के लिए जो कि बायोटेक था उनके लिए खुली भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल डिसेंट चॉइस अवेलेबल थी। तो मैंने तो सारी कंपनीज में अप्लाई कर दिया जो भी हमें एक्सेप्ट कर रही थी, क्योंकि एज अ फ्रेशर आई हैड नो प्रेफरेंस कि मैं किस रोल में जाऊँ किस रोल में नहीं जाऊँ, मुझे बस जॉब चाहिए थी। तो BCG मैक जैसी कंसल्ट जो थी उनमें तो मेरी शॉर्टलिस्ट ही नहीं आई, क्योंकि उनको चाहिए या तो तुम्हारे रेज्यूमे में एक्स्ट्रा करिक्स बहुत हैवी हो, या तुमने अकेडमी में कुछ ज़्यादा ही मचाया हुआ हो, तुम मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हो या कुछ हो, तो उन बच्चों की शॉर्टलिस्ट आई थी। तो उसमें तो मेरी शॉर्टलिस्ट ही नहीं आई। फिर नेक्स्ट मेरी जो शॉर्टलिस्ट आई थी वो थी आईटीसी में, और आईटीसी को लेके मैं काफ़ी होपफुल था, क्योंकि आईटीसी प्रेफर करती है बच्चों को फ्रॉम केमिकल और बायोटेक डिपार्टमेंट्स, और उनका प्रोसेस भी काफ़ी लॉन्ग होता है। वो पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, फिर वो GD कराते हैं, फिर उनके इंटरव्यू राउंड शुरू होते हैं, और इंटरव्यू राउंड भी काफ़ी लंबे चलते हैं। तो प्रोसेस इन जनरल बहुत लंबा होता है, लेकिन मेरे लिए प्रोसेस बहुत छोटा था क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ, तो मेरा वहाँ पर उसमें वैसे कट गया। नेक्स्ट मुझे याद है मेरी शॉर्टलिस्ट थी नोवार्टिस में, ठीक है, और नोवार्टिस बायोटेक वालों के लिए कोर कंपनी है, क्योंकि वो सिर्फ बायोटेक के लिए ही आती थी, और हर साल वो 3 बच्चे लेके जाती थी, रैंक 1, 2 और 3। तो मैं काफ़ी होपफुल था क्योंकि मेरी रैंक 3rd थी बायोटेक में, ठीक है, तो मेरे को नोवार्टिस से काफ़ी उम्मीद थी, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। नोवार्टिस आई, 3 बच्चे लेके गई, रैंक 1, 2 और 4 तो मेरा वहाँ पर गंदा कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। बाद में मुझे लोग खैर बता रहे थे कि, और शायद ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, कि जो रैंक 4th था उसने जाके नोवार्टिस के सीनियर्स को मेंटर्स को जाके बोल दिया था कि अखिल तो MBA की तैयारी कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका नोवार्टिस में एंथ हुआ है, मुझे नहीं पता सच है या नहीं, लेकिन जो 4th रैंकर था वो इन जनरल रिसर्च में लैब में काफ़ी स्टट था, तो वो डिजर्व करता था कोर कंपनी में जाने का। खैर, लेकिन मेरा नोवार्टिस में वैसे कट गया। फिर जो नेक्स्ट मेरी शॉर्टलिस्ट थी वो थी क्रेडिट स्विस में, और वो लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल के लिए आए थे। वो आए थे अपनी स्ट्रक्चरिंग और डेरिवेटिव्स डेस्क के लिए। उसमें भी मेरे इंटरव्यूज थैंकफुली ठीक ठाक जा रहे थे। एक राउंड तो मेरा मेरे को ढंग से याद है कि वो मैं आया घुसा ही बंदा, मतलब मैं घुसा ही जैसे इंटरव्यू में, वो सामने वाले वो जो थे यंग से ही लोग थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो भी शायद फर्स्ट आए हुए थे क्योंकि बच्चे या तो ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं थे या जो भी कारण था। उसने मुझे बोला कि भाई मैं तुझसे बस एक सवाल पूछूंगा, ठीक है, अगर तूने मुझे जवाब दे दिया तो तू सीधा नेक्स्ट राउंड में। मैंने कहा ठीक है, ओके। कहते पुट कॉल पैरिटी क्या होती है, और मेरे को थैंकफुली पता था क्योंकि मैं डेरिवेटिव्स तभी पढ़ना मैंने शुरू किया था, और ये बहुत बेसिक है डेरिवेटिव्स के लिए। तो फिर मैंने उसको बता दिया, वो खुश, उसने मेरे को सीधा नेक्स्ट राउंड में भेज दिया। अब मुझे पता नहीं वहाँ क्या हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उस राउंड के लिए वेट कर रहा था नेक्स्ट राउंड के लिए, जो वहाँ पर क्रेडिट स्विस का हेड था ना, मतलब जो सीनियर मोस्ट था उस समय, वो आके मुझे बोलता है कि तुम प्राइवेट बैंकिंग रोल के लिए इंटरेस्टेड होगे। भाई मैंने मन में सोचा मैं किसी भी रोल के लिए इंटरेस्टेड हूँ, बस मुझे नौकरी दे दो, ठीक है। मैंने कहा सर मेरे लेकिन स्ट्रक्चरिंग डेस्क में इंटरव्यूज अच्छे जा रहे हैं। कहते नहीं, हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है यू आर अ बेटर फिट फॉर आर प्राइवेट बैंकिंग टीम। मैंने कहा ठीक है चलो, ओके। तो मेरा अलग ट्रैक फिर चलने लग गया, और मेरे फिर प्राइवेट बैंकिंग रोल के लिए इंटरव्यूज़ होने लग गए। तो वो इंटरव्यूज़ भी हो रहे थे, मेरे ख्याल से 2-3 राउंड उस इंटरव्यू के भी हुए थे, और अल्टीमेटली लेकिन खैर मुझे फिर वो बोलते हैं यार मुझे तो ना अप्रूवल ही नहीं मिला हेडकाउंट का प्राइवेट बैंकिंग टीम से। मैंने कहा अच्छा।
तो मैं क्या वापस स्ट्रक्चरिंग इंटरव्यूज कंटिन्यू कर सकता हूँ? कहते नहीं यार, वो तो रोल हमने फिल कर दिया किसी और से। मैंने कहा गजब, अलग अलग ढंग से इंसान का कट रहा है, तो वहाँ पर भी मेरा कट गया। खैर अब जो हो गया हो गया, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया वो मेरे साथ हुआ क्या, क्यों हुआ, लेकिन क्रेडिट स्विस में भी मेरा कट गया। फिर मेरी अगली शॉर्टलिस्ट थी डॉयशे बैंक से। डॉयशे बैंक भी अपने बैक ऑफिस रोल्स के लिए आते थे मोस्टली उस समय, तो बैक ऑफिस रोल के लिए आया था और वो मार्केट्स अलाइंड उनका रोल था। तो और डॉयशे बैंक ऑफ कैंपस आया था, ठीक है, तो इसका यह मतलब है कि वो आया उसी समय था जब प्लेसमेंट्स चल रही थी हमारी, लेकिन उसके सारे इंटरव्यूज़ एक सेपरेट होटल में हो रहे थे, हमारे कैंपस में नहीं हो रहे थे। तो उसमें मेरी शॉर्टलिस्ट थी, हम सब होटल में गए हुए थे एक दिन, हमारे इंटरव्यूज़ वहाँ हो रहे थे। वहाँ पर मेरे इंटरव्यू, जो इनिशियल इंटरव्यूज़ थे, वो तो मेरे ठीक ठाक हो रहे थे। और फिर मैं फाइनली फाइनल राउंड तक पहुँच गया, एटलीस्ट जो मेरे लिए फाइनल राउंड था मैं उस तक पहुँच गया। वहाँ पर पैनल बैठा हुआ था, मैं घुसा अंदर, पैनल ने मुझसे पहला सवाल ये पूछा कि वाई शुड वी हायर यू, और मैं बेचारा तब तक इतना डेस्परेट हो गया था, मेरे ख्याल से डेट 3 हो गया था, मेरा कोई पता ही नहीं था कि किस में होगा नहीं होगा। तो मैं अपना मोनोलॉग शुरू कर दिया कि सर मैं बड़े हम्बल परिवार से हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है अपनी ज़िंदगी में, मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, मेरे में लीडरशिप स्किल्स भी है, मैं इनिशिएटिव बहुत लेता हूँ, मेरी हॉबीज़ देखो कितनी अच्छी है। फिर मैंने जेन्युइनली एंड में बोला कि सर ओवरऑल आई एम अ वेरी गुड पर्सन, प्लीज़ हायर मी, ठीक है। तो वो लोग हंसने लग गए। खैर तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि चलो थोड़ा तो मैं एक्स्ट्रोवर्ट साउंड कर रहा हूँ होपफुली, तो वो इंटरव्यू उसने फिर मतलब होपफुली मैं ठीक साउंड कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसने नेक्स्ट सवाल पूछा कि अभी इस समय फिनेंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है, और मैं कंफ्यूज्ड, मेरे को कोई हवा नहीं थी, और दैट इज़ वाई आई सेड कि मैं इतना अंडर प्रिपेयर था, क्योंकि मैंने अपने पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में घुसा ही नहीं था मैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो मुझे कोई हवा नहीं थी। फेब हो गया था तब तक, तो फेब 2010 की बात है। तो और मेरे को लगा सर इंडिया का बजट, कहते क्या बात कर रहे हैं, ग्रीस ने अपना डिफॉल्ट कर दिया नेक्स्ट पेमेंट, बॉन्ड पेमेंट। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ओके सर, वैसे भी मेरे को बजट के बारे में भी कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है। तो खैर तब तक क्लियर हो गया था, क्योंकि वो इतना अमेज हो गया था मेरे आंसर से कि मैं इंडिया बजट बोल रही हूँ जबकि ग्रीस में इतना सब कुछ तबाही मच रही है, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो मेरे को काफ़ी क्लियर हो गया कि ये अब मैंने हक दिया है, तो वहाँ पर भी मेरा कट गया, ठीक है। तो ऐसे मेरा डॉयशे बैंक में भी कट गया। अब मेरे पास फाइनली 2 शॉर्टलिस्ट बची थी, उसके बाद और कंपनीज आती, मैं और अप्लाई करता तो शायद शॉर्टलिस्ट आती, लेकिन जो अभी पाइपलाइन थी मेरी उसमें सिर्फ 2 शॉर्टलिस्ट बची थी, और दोनों कंपनीज सेम डे आई थी, एक थी डिलॉयट और एक थी RBS। तो डेलॉयट तो IT कंसल्टिंग रोल के लिए आई थी, और जो आपकी RBS थी वो फिनेंशियल सॉफ्टवेयर के लिए आई थी। तो बेसिकली डेलॉयट का रोल ये था कि आप नॉर्मल कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करोगे बट फोकस्ड ऑन IT इम्प्लीमेंटेशन, उनके IT सॉल्यूशंस। और RBS का रोल था, RBS का रोल वैसे डिसेंटली इंटरेस्टिंग था कि आप कोडिंग करोगे लेकिन यू नीड टू क्रिएट कोड्स फॉर देयर ट्रेडर्स, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग के लिए वो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, उनकी मैनेजमेंट, उनकी जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसको तुमको मेंटेन करना है, तो उसमें तुमको थोड़ी फिनेंस नॉलेज भी चाहिए थी, बट प्राइमरीली इट वॉज स्टिल कोडिंग रोल। तो दोनों कंपनियां सेम डे आई, दोनों में मेरा पैरेलल इंटरव्यू चल रहा था, दोनों में कई सारे राउंड्स थे। डिलॉयट तो स्पेसिफिकली काफ़ी एक्सटेंसिव था, मतलब उसने तो सभी कुछ पूछ लिया था, उसने केस राउंड भी हो गया था, उसमें गेस्टिमेट भी हो गया था, उसमें बिजनेस प्रेजेंटेशंस भी हो गई थी, उसमें नॉर्मल फिट इंटरव्यूज़ भी हो रहे थे। तो डिलॉयट ने तो काफ़ी इंटरव्यूज अपने चलाए, और फिर थैंकफुली मुझे दोनों से उस समय सॉफ्ट ऑफर मिल गया। लेकिन मैं डेलॉयट में बैठा हुआ था, मेरा राउंड चल रहा था, और मेरे को पता था कि RBS ने मुझे एक सॉफ्ट ऑफर दे दिया, और मेरी इंक्लिनेशन थोड़ी RBS की तरफ ज़्यादा थी, क्योंकि एटलीस्ट वो थोड़ा फिनेंस से अलाइन तो था ही, तो मुझे लग रहा था कि अगर मैंने ज्वाइन कर लिया एटलीस्ट देयर वुड बी अ जस्टिफिकेशन इफ़ आई नीड टू इन फ्यूचर मूव टू फिनेंस। तो मेरे को RBS जाना था, लेकिन मैं डेलॉयट के इंटरव्यूज़ में अटका हुआ था, और उन्होंने, और वो भी सब ना कंपनीज इस समय क्योंकि सबको बच्चे रोकने होते हैं, वो ज़बरदस्ती राउंड्स लंबे खींचते रहते हैं। तो डेलॉयट ने मुझे उठा के HR राउंड में भेज दिया, ठीक है, और HR का बस एक ही मकसद था कि मुझे बिठा के रखे, ठीक है। तो वो आर्बिट सवाल पूछे जा रही है, मतलब तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तुम्हारी बहनी क्या करती है। मैंने सोचा कि सब इस इंटरव्यू के ख़त्म होने की वेट करती है। तो खैर मैंने फिर थोड़ा बहुत तो उसको जवाब दिए, फिर मैंने फाइनली कहा मैम सॉरी आई रियली नीड टू गो। तो उसने कहा ठीक है, ये एक्सप्लोडिंग ऑफर है,
अगर तुमने 15 मिनट तक हमें नहीं बताया तो ये ऑफर हम पुल बैक कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं भाग भाग के RBS पहुंच गया और लकीली उनका ऑफर अभी तक स्टैंड कर रहा था। उन्होंने कहा कि हाँ वी आर स्टिल कीन, तो मैंने फिर झट से उनको हाँ बोल दिया। तो RBS मैंने फिर फाइनली ज्वाइन कर लिया। मेरी टेंशन ख़त्म हो गई कि चलो मैं प्लेसमेंट्स तो ख़त्म हुई, जॉब तो लगी, लेकिन मेरे को खटक रहा था कि यार है तो कोडिंग जॉब ही ठीक है, फिनेंस रिलेटेड है, लेकिन आई वाज नॉट सुपर हैप्पी जो मुझे मिला था। और ये बहुत कॉमन होता है ठीक है कि कई बार प्लेसमेंट्स ठुक जाती है, सबकी ठुकती है, सब लोगों का हमेशा अच्छी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज अराउंड। तो अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो तुम चेंज कर सकते हो। और पहली जॉब तो यूजुअली बच्चे बहुत जल्दी अपनी चेंज कर लेते हैं इफ दे डोंट लाइक। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे को याद है कि 3-4 महीने के अंदर ही मैंने घुसते ही RBS में, इनफैक्ट पहले ही मैंने लैटरली अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो मैंने अपने सारे रिज्यूमे अपने सारी जगह फैला दिए थे और 3-4 महीने में ही ज्वाइन करते ही, जब तक मेरा RBS का ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा था, मैंने चेंज कर लिया टू अ बैंक इन द एक्विटी रिसर्च डेस्क जो कि कोर फिनेंस रोल थी। तो मैंने 3-4 महीने के अंदर चेंज कर लिया। मैंने एक भी कोडिंग करी नहीं थी क्योंकि उस समय बस हम ट्रेन ही हो रहे थे। तो बस मैं RBS से ट्रेन हुआ और फिर मैं दूसरे बैंक चला गया। और ये वही बैंक है जिसमें मैंने एक्विटी रिसर्च किया, फिर मैं MBA करने गया, फिर मैं वापस आके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम मैंने उस बैंक की ज्वाइन करी और उस बैंक में मैं अभी तक हूँ। तो वो मेरे को फाइनली मेरी फिट बैठ गया था ये बैंक में, उस बैंक में, और वो जो मेरे को रोल्स मिले थे एक्विटी रिसर्च एंड देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो ये मेरी कहानी है IIT प्लेसमेंट की। होपफुली तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। बताना कैसी लगी। थैंक यू।